नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ रहा है। जिस चीन से ये वायरस निकला वहां अब हालात ठीक है, लेकिन पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका है। रोज लोग मर रहे हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था तो इस कदर गिर रही है जिसके आंकड़े भी सामने नहीं आ रहे। कम्युनिस्ट चीन ने दुनिया को सिर्फ काल की तरफ धकेला है, और याद से नहीं, बहुत पहले से। चीन का इतिहास उठा लीजिए। ये तस्वीरें चीन की सन 1958 से है, जब इन्होंने अपनी सभ्यता का विकास करने के लिए गोरैया की बलि देनी शुरू कर दी थी। ये गोरैया पर इंसानों के जुल्म की दास्तां है। आज से 62 साल पहले चीन के हुक्मरानों के कहने पर गोरैया को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था। उस वक्त चीन पे राज था माओ का। मासूम कही जाने वाली गोरैया को माओ जेडोंग ने ये कहकर मारने का फरमान सुना दिया कि वो लोगों के अनाज खा जाती है, वे किसानों का नुकसान करती है। चीन में उस समय के तथाकथित क्रांतिकारियों ने जनता के बीच में इस अभियान को एक आंदोलन की तरह फैला दिया। लोग भी बर्तन, टिन, ड्रम बजा बजा कर चिड़ियों को उड़ाते। लोगों की कोशिश यही रहती कि गोरैया किसी भी तरह बैठ के रेस्ट ना करे। अपने नन्हे परों को आखिर वो गोरैया कब तक चलाती? ऐसे में उड़ते उड़ते वो इतनी थक जाती थी कि आसमान से सीधे जमीन पर गिरकर मर जाती थी। कोई गोरैया बच ना जाए ये पक्का करने के लिए उनके घोंसले ढूंढ ढूंढ कर उजाड़ दिए जाते थे। पूरी प्रजाति का नाश होने लगा। जो शख्स जितने अधिक गोरैया का कत्ल करता उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता। स्कूल कॉलेज में होने वाले आयोजनों में गोरैया का कत्ल करने वालों को मेडल मिलते। जो जितनी अधिक गोरैया मारेगा उतना बड़ा इनाम। चीन ने पूरी गोरैया प्रजाति का नाश कर दिया था। एक सनकी तानाशाह के कहने पर चीन में एक अभियान के तहत गोरैया को मारने का पाप लोगों ने कर दिया था। लेकिन महज 2 सालों में ही अप्रैल 1960 आते आते लोगों को इसका बेहद खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा। दरअसल गोरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, बल्कि उन कीड़ों को भी खा जाती थी जो अनाज की पैदावार को खराब करते थे। गोरैया के मर जाने का नतीजा ये हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने के बजाय घटने लगी। माओ को समझ आ चुका था कि उनसे भयानक भूल हो गई है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। चीन में 2 साल के अंदर ही अकाल पड़ गया। उस अकाल में करीब 2.5 करोड़ चीनी लोगों की मौत हुई। लोग भूखे मरने लगे। चीनियों की हालत ये हो गई कि उन्हें अकाल में एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके पास पानी था लेकिन अन्न नहीं। ये उस सन की तानाशाह और चीन की सबसे बड़ी गलती थी। गोरैया जैसा पक्षी भी कोई मार सकता है, हैरान ना हो। चीन 1958 में ये कर चुका है और उसका परिणाम भी उसने झेला, और इस बार जो वायरस वहां से निकला है उसे पूरा विश्व झेल रहा है। चीन के इस परिणति की कहानी आज की नहीं है। इससे ये तो साफ हो ही जाता है कि जो बोएंगे वही काटेंगे।